मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास नाइन्थ और आज का टॉपिक मोमेंटम एंड न्यूटन सेकेंड लॉ। सबसे पहले मोमेंटम क्या होता है? द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज मोमेंटम। इट इज़ डिनोटेड बाय पी। कोई भी बॉडी है, मूविंग बॉडी है, अगर उसका मास है, अगर कोई बॉडी है तो उसका मास होगा, और अगर वो मोशन के अंदर है तो उसके मास और वेलोसिटी को अगर अपन मल्टीप्लाई करा दे तो अपने पास जो निकल के आएगी वैल्यू वो आएगी मोमेंटम की। तो यहाँ से अपन इसको पी से डिनोट करते हैं, और ये जो अपने पास हो गया एम जो डिनोट कर रहे हैं यहाँ पे मास को, वी जो है वेलोसिटी को। वी यहाँ पे वेलोसिटी लिए मतलब ये डायरेक्शन के साथ है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो यहाँ पे जो अपने पास मोमेंटम आएगा वो भी कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। इस मोमेंटम की जो डायरेक्शन होगी वो वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी। यहाँ से अब इसकी यूनिट देखते हैं अपन, ये वेक्टर क्वांटिटी है, साथ में इसकी यूनिट देखो, हमेशा यूनिट फॉर्मूले पे ध्यान दिया करो, और फॉर्मूले से अपन यूनिट बनाना देखते हैं। सबसे पहले मास, मास को अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं? केजी से। तो मास क्या हो गया? केजी। वेलोसिटी, वेलोसिटी का जो अपने पास यूनिट होगी वो अपन ने देखी थी कि मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से टोटल जो अपने पास मोमेंटम की जो आई वो है केजी इंटू मीटर पर सेकेंड। तो ये अपने पास आ गई मोमेंटम की यूनिट, और इसकी डायरेक्शन जो होगी वेलोसिटी की डायरेक्शन के अंदर होगी। अब आता है अपना न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मतलब रेट आ गया तो टाइम के साथ रिलेशन है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मोमेंटम में चेंज हो रहा है कुछ, तो वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? जो एक्सटर्नल जो फोर्स, जो बाहर की तरफ से जो मशीनरी या कोई भी अपन ह्यूमन बॉडी लगाती है, वो एक्सटर्नल फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और इसका सिंबल ये होता है। इसका मतलब टाइम के साथ अगर दिया गया तो रिलेशन पी मोमेंटम को, और टाइम के साथ है रेट ऑफ चेंज, चेंज मतलब टाइम के साथ चेंज होना किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? फोर्स के। और कौन सा फोर्स होगा? एक्सटर्नल। जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटता है वहाँ पे उसकी जगह क्या आता है? कॉन्स्टेंट। तो जब ये अपन इक्वल करते हैं इसको, यहाँ से प्रोपोर्शनल को अपन इक्वल किया तो ये आता है के, कॉन्स्टेंट आ गया यहाँ पे, और के यहाँ पे क्या है? प्रोपोर्शनल कॉन्स्टेंट, जिसकी वैल्यू यहाँ पे मान के चलते हैं 1 है, तो के प्रोपोर्शनल कॉन्स्टेंट है। अब यहाँ से एफ इक्वल्स टू, देखो एफ इक्वल्स टू पी, पी की जो वैल्यू है होती है मोमेंटम की, अभी देखा अपने फॉर्मूले में वो कितनी होती है? एम इंटू वी। तो यहाँ से अपन ने लिखा एम इंटू वी अपॉन टी। अब देखो v अपॉन टी, याद आ रहा है कि इसका फॉर्मूला है, एसेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? चेंज, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज नॉन एज एसेलरेशन। तो यहाँ पे v अपॉन टी एसेलरेशन, किसका एसेलरेशन का फॉर्मूला आ गया v अपॉन टी। तो इसकी जगह अपन क्या लिख सकते हैं? a। तो ये जो फोर्स का जो फॉर्मूला, जो सबसे मोस्टली जो सबसे ज़्यादा काम आता है वो क्या होता है? एफ इक्वल्स टू एम ए, एम यहाँ पे है मास, ए हो गया एसेलरेशन। तो यहाँ से अपने पास फोर्स, इसकी अगर यूनिट की बात करें देखो यहाँ से, तो के जी इंटू एसेलरेशन की होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो के जी इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसकी यूनिट होगी। इसको अपन क्या बोलते हैं? न्यूटन भी बोलते हैं इसको, और इसको अपन कैपिटल एन से डिनोट करते हैं क्योंकि ये साइंटिस्ट के नेम पे गिवन है, इसलिए इसको अपन बोलते हैं न्यूटन। दोनों में से कोई सी बोल सकते हैं, के जी इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर या न्यूटन। इसके अंदर अब देखो यहाँ से मोमेंटम की अगर बात करें, देखो यहाँ पे जितना ज़्यादा मास होगा फोर्स उतना ही अपने को रिक्वायरमेंट होगा एक्सेलरेशन के लिए, जितना कम मास फोर्स उतना ही कम रिक्वायरमेंट। तो यहाँ से इसका एग्जांपल देखें, जैसे मान लो कोई भी बॉडी है, मास है 400 kg का, तो ये इस पे ब्लॉक पे फोर्स लगा रहा है इस पे, तो ये बहुत मुश्किल से क्या होगा? मूव होगा, हार्ड टू मूव, क्योंकि यहाँ से जो मास, देखो रिलेशन देखो, अगर एसेलरेशन अपन ऐसे रखे कांस्टेंट रखे तो मास ऊपर की तरफ मतलब इंक्रीज़ कर रहा है, तो फोर्स भी क्या होगा? इंक्रीज़ करेगा, बढ़ेगा। इसी के कंपेरिजन में ये दूसरे की अपन बात करें तो फोर्स लगा रहा है ये 40 kg का, यहाँ पे 400 kg का, यहाँ पे 40 kg का ब्लॉक है। अब जो इसका जो मास है वो क्या है? कम है, रिड्यूज़ है, इसके कंपेरेटिवली क्या है? कम। तो यहाँ पे फोर्स की रिक्वायरमेंट भी क्या होगी? कम। तो जितना ज़्यादा मास उतना ज़्यादा एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायरमेंट। तो ये किससे गिवन दिया गया है? ये अपने पास गया है न्यूटन के सेकेंड लॉ से। तो फिर न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या बताता है? न्यूटन फर्स्ट लॉ गिव्स द डेफिनेशन ऑफ द फोर्स
वाइल द न्यूटन सेकेंड लॉ डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। तो यहाँ से अपन फोर्स की वैल्यू निकाल सकते हैं और फर्स्ट लॉ से अपन उसकी डेफिनेशन देखते थे। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे कल। थैंक यू।